नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपनी दैनिक जिंदगी में बैठे बैठे प्रायः खो जाते हैं और हम अपनी कल्पना की उड़ान पे कहीं दूर निकल जाते हैं। कभी हम टॉफियों के बगीचे में होते हैं, कभी हम आइसक्रीम के टब में बैठे होते हैं। हमारे विचार एक तार की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ते जाते हैं और हम एक खूब बड़ी सी विचारधारा बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे इस विचारधारा के सही प्रयोग की। आज हम बात करेंगे निबंध लेखन की। निबंध लेखन के अंदर आपको एक विषय दिया जाता है, उस विषय पे आपको अपने दिमाग को दौड़ाना होता है और अपने विचारों को एक साथ एक क्रम में लिखकर बांधना होता है। निबंध किसी विषय पर अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही निबंध है। निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक बिंदु को आधार बनाकर एक अनुच्छेद लिखना चाहिए। वाक्य सरल, स्पष्ट तथा लघु होने चाहिए। अपने विचारों के समर्थन के तौर पर किसी विख्यात लेखक अथवा कवि की पंक्तियां भी दी जा सकती हैं। और जो मुहावरे, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द आपने सीखे हैं, उन शब्दों का भी भरपूर प्रयोग कीजिए। आइए उदाहरण के लिए निबंध पढ़ते हैं। पहला निबंध है प्रातः काल की सैर। देखिए कैसे लेखक ने अपने विचारों को एक क्रम में बांध दिया है। प्रातः काल की सैर हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह वन, उपवन, खेत, नदी, पार्क या खुले में घूमना बहुत अच्छा होता है। प्रातः काल सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर आती हैं, सारा अंधकार मिट जाता है, सूर्य की लालिमा चारों ओर फैलती है, पेड़ों पर पंछी चहचहाते हैं, धीमी धीमी हवा चलती है जिससे हमारा चित प्रसन्न हो जाता है। सुबह सुबह मन प्रसन्न होने से हमारा सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। प्रातः शुद्ध ऑक्सीजन मिलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। टहलने से हमारे शरीर का रक्त संचार सही रहता है। प्रातः काल थोड़ा सा व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। प्रातःकालीन सैर शरीर व दिमाग दोनों को ही ताजगी प्रदान करती है। सारा दिन काम में मन लगा रहता है, अतः हमें प्रातःकाल अवश्य घूमना चाहिए। भारत वर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं महापुरुषों में एक प्रमुख नाम महात्मा गांधी का भी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों को मानने वाले थे। अहिंसा के पुजारी और करुणा के अवतार महात्मा गांधी ने अनेक मुसीबतों को झेलते हुए भारत वर्ष को अंग्रेजों की दासता से मुक्त करवाया। इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माता जी धार्मिक महिला थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव गांधी जी के व्यक्तित्व में देखने को मिलता था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। इसी साल गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से वे वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। भारत आकर गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में द्वारा अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाकर रख दी। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा दी गई कठोर यातनाएं भी झेलनी पड़ी। फिर भी इन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि उन्हें भारत से जाना होगा। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों ने उनके सामने घुटने टेक दिए
और भारत स्वतंत्र तो हो गया। देश की स्वतंत्रता को अभी एक वर्ष भी नहीं बीता था कि 30 जनवरी सन 1947 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा देश शोक में डूब गया। मानवता चीख उठी, वे मरकर भी अमर हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार भावपूर्ण तरीके से अपनी कल्पना शक्ति को क्रम में लिखने को निबंध कहते हैं। मैंने आपके साथ दो उदाहरण पढ़े, अब आप आगे के उदाहरण और आगे की अभ्यास स्वयं कीजिए। धन्यवाद।